स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस 85 क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी के, करंट अफेयर के, जीके के, सामान्य विज्ञान के। स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, अपलोड कर दिया हूँ। पर डे अपलोड करता रहता हूँ करंट अफेयर, तो वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। तो चलिए सर स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी से पहले क्वेश्चन लेंगे और आज मैं यहाँ पर एक टॉपिक चूज किया हूँ हिंदी भाषा। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा की लिपि क्यों कहा गया है। तो याद रखिएगा जो देवनागरी लिपि होती है ये पूरे देश में व्यापक रूप से समझी जाने वाली लिपि है, इसी वजह से इसको राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन सी समस्या प्रमुख नहीं है। देखिए देवनागरी लिपि में बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं बट यहाँ पर आपको बताना है कौन सी प्रमुख नहीं है। तो देखो सिरोरेखा लगाने में मनमानी, इसके अलावा भा में माँ, धा में घा, खा में खा का जो भ्रम होता है, बहुत लोगों को भ्रम ऐसा होता है, और रा की ध्वनि के लिए बहुत सारे चिन्हों का यूज होता है, जैसे कर्म में आपको इस तरह से होता है, ट्रेन में इस तरह से लिखा जाता है, क्रम में इस तरह से होता है। तो बहुत सारे ऐसी अलग अलग चिन्ह का यूज करते हैं एक ही रा को ध्वनि करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में कि पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई के साथ बिंदु का प्रयोग भी प्रचलित होना, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप पूर्ण विराम में एक सीधी सी पूर्ण विराम ही लगाते हो, कोई बिंदु का पाई नहीं लगाते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है ये समस्या प्रमुख नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से देवनागरी अंग कौन से हैं। तो आप लोग सिंपल सा देख के बता सकते हो कि जो हिंदी वाले ये 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है ये देवनागरी अंक है, 6 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 7 को शायद ऐसे लिखा जाता है, 6 वाला मतलब 6 को ऐसे कर दो थोड़ा 7 हो जाता है, ऐसे कुछ तरह से होते हैं हिंदी वाले देवनागरी अंक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो भाई देवनागरी जो लिपि है वो आपकी अक्षरात्मक लिपि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनागरी लिपि के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्याप्त लिपि चिन्हों का ना होना, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका, पर्याप्त लिपि चिन्हों का ना होना, ये दोस्तों जो है देवनागरी लिपि के संदर्भ में कथन सत्य नहीं है। बहुत सारे लिपि चिन्ह हैं इसमें, आपको पता है ना। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि नागरी लिपि का उद्भव किससे माना जाता है। देखिए नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं, तो जो आपकी नागरी लिपि है इसका जो उद्भव है बेसिकली द्रविड़ लिपि से माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है द्रविड़ लिपि वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी लोग क्या कह रहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा को अपनाने की प्रेरणा दी थी। तो अभी मैंने ये वाले जो दोहा है मैंने आपको डाला भी था अपने हिंदी दिवस के दिन, तो याद रखिएगा ये जो दोहा है बेसिकली ये जो लाइन्स है निज भाषा उन्नति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस लाइन्स को बोली थी और उन्होंने स्वदेशी भाषा को अपनाने की प्रेरणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी जो नाम है इसका समर्थन किया था, हिंदुस्तानी नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका समर्थन किया था महात्मा गांधी जी ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के प्रारंभ में अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था। तो संविधान के प्रारंभ में जो अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए कितने साल के लिए अधिकृत किया गया था, तो दोस्तों इनको किया गया था 15 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन जो इसका सी है, देखिए बहुत ही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपसे क्या कह रहा है कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है। भैया राजभाषा सबको पता है ना क्या पर होता है, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कई बार आपसे अंतर भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, भाई जो राष्ट्रभाषा है उसका क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रभाषा देश में व्यापक रूप से जो प्रचलित होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, और राजभाषा जो राजकाज के कामों में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि किसी बोली को भाषा बनाने में कौन से सहायक होते हैं। बोली को भाषा बनाने में बेसिकली क्या सहायक होते हैं, कौन से सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राजनीतिक नेताओं का प्रभाव है, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना है, आगमन की सुविधा है, और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध होना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 में
तो बोली को भाषा बनाना है ना, तो बोली को अगर भाषा बनाना है तो जो आपके सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना है ये बेसिकली जो होता है ये बोली को बेसिकली भाषा बना सकती है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या कह रहा है कि बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। तो बोली में केवल एक मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बोली भाषा की आधारशिला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका ए है, बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। इसके अलावा बोली भाषा की आधारशिला है, सही है। बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, ये भी सही है। और एक भाषा की अनेक बोलियाँ हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की देख सकते हैं आपकी कितनी सारी बोलियाँ हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाई भाषा अभी बोली के संदर्भ में था, भाषा के संदर्भ में आ गया। तो भैया भाषा जो होता है जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जन्म से किसी को कोई भाषा प्राप्त नहीं होती, वो जहाँ पर रहता है वहाँ की भाषा को वो ग्रहण कर लेता है बस। कोई भी, अगर आप यहाँ पर पैदा हुए तो आप हिंदी बोलोगे, आप कहीं विदेश में पैदा हो तो वहाँ की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दोगे, तो वो वहाँ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग होता था माफ़ कीजिएगा, तो जो हिंदुस्तानी शब्द है इसका यूज कहाँ होता था। तो याद रखिएगा, हे खड़ी बोली के लिए भी, हिंदी के लिए भी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, यानी कि जो ऑप्शन डी है इसका, इन चारों के लिए हम लोग हिंदुस्तानी शब्द का यूज करते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो खड़ी बोली के संदर्भ में अगर देखा जाए तो खड़ी बोली अक्रांत प्रधान है, तो ऑप्शन जो इसका डी कह रहा है ये सत्य नहीं है। इसके अलावा खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, खड़ी बोली का विकसित रूप मानक हिंदी है, गियर्सन ने इसे देसी हिंदुस्तानी कहा था। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही कथन है, बल आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है। विषम संयोजन कौन सा है, तो कन्नौजी फरुखाबादी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल फरुखाबादी कानपुर, यहाँ कन्नौजी बोली जाती है, कानपुर में चले जाओ तो फरुखा में चले जाओ, यहाँ सब बोली जाती है। बघेली बुंदेलखंड, ये गलत बात है भाई, बघेली बुंदेलखंड ये विषम संयोजन है, जबकि मगही में पटना गया, मगही जो लैंग्वेज है आपकी पटना गया हजारीबाग यहाँ सब बोली जाती है, ब्रजभाषा मथुरा अलीगढ़ में बोली जाती है, लेकिन यहाँ बघेली बुंदेलखंड में नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर विषम संयोजन है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि भोजपुरी बोली को भोजपुरी बोली का केंद्र कौन सा है। तो सबको पता है भाई, इन चारों में आप लोग आराम से बता सकते हो कि जो भोजपुरी बोली है, बलियम बोली जाती है, छपरा में बोली जाती है, गोरखपुर में भी बोली जाती है। तो इनका यहाँ पर उपरोक्त तो सभी ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में अवधि नहीं बोली जाती है। तो अवधि की अगर हम बात करते हैं, सीतापुर, लखनऊ, इलाहाबाद के कुछ भागों में बोली जाती है, लेकिन वाराणसी की बात करते हैं तो भाई वाराणसी में अवधि नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा। तो भाई खड़ी बोली का नाम किस लिए पड़ा, तो याद रखिएगा क्योंकि इसका जो ध्वनि विन्यास है वो कर्कश है। याद रखिए क्योंकि इसका जो ध्वनि विन्यास है वो कर्कश है, तो आपका इसीलिए इसका नाम बोला गया खड़ी बोली। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए ना कि खड़ी मात्रा का यूज होता है, खड़े खड़े सीखा जा सकता है, खरी खोटी कहने की क्षमता है, तो इसको मत बोलिएगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो बैसवाड़ी है वो किस बोली की उपबोली है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ये अवधि बोली की उपबोली है आपकी बैसवाड़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है। देखिए विषम संयोजन कौन सा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बिहारी हिंदी बुंदेली, अगर हम बात करते हैं बिहारी हिंदी और बुंदेली के बारे में, तो ये बिल्कुल विषम संयोजन है, जबकि पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा और राजस्थानी हिंदी, मालवी, इसके अलावा पूर्वी हिंदी, बघेली, ये बिल्कुल सही, लेकिन बिहारी हिंदी आपका ये गलत है बुंदेली। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौरवी का दूसरा नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कौरवी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है भाई, खड़ी बोली होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अवधि किस वर्ग की बोली है, जो अवधि है ये बताना है कि किस वर्ग की बोली है। तो दोस्तों ये बेसिकली आपकी पूर्वी हिंदी इस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राजभाषा आयोग की जो स्थापना है वो बेसिकली आपकी हुई थी कब, 7 जून 1995 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन जो इसका डी है
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की जो संख्या है वो बेसिकली आपकी कितनी है, तो याद रखिएगा 22 है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ टोटल 22 है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है। तो याद रखिएगा हिंदी के प्रचार प्रसार की जो सर्वाधिक प्राचीन है वो आपकी नागरी प्रचारी सभा है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं। तो दोस्तों देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का जो समर्थन करने वाले हैं वो सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि देवनागरी दक्षिण भाषा में किस रूप में जानी जाती है। तो देवनागरी जो लिपि है वो बेसिकली दक्षिण भाषा में नंदनागरी के नाम से जानी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इस पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है। तो भैया इस पंक्ति में हिंदी का मतलब है भारतवासी, हिंदी है हम यानी कि भारतवासी हैं हम, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो कह रहा है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों जो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सर ये हुई है सिंधु से, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। तो दोस्तों जो हिंदी है वो बेसिकली आपकी पंजाब राज्य की राजभाषा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में ये हिंदी बोली जाती है, राजभाषा है वहाँ की। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी। तो यहाँ पर बताना है वह कौन सी बोली है मध्यकाल में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मध्यकाल के बारे में, तब भैया उस समय की अगर हम बात करते हैं जो ब्रज भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली भाषा थी, तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया, सबको पता है, तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे सर? सौर सेनी अपभ्रंश से हुई, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 के बाद 37 नंबर कह रहा है कि किस हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। अगर हम बात करते हैं हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो बेसिकली जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में भैया? देवनागरी, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भाषा विज्ञानी माना जाता है किसे। तो जो प्राचीन भाषा विज्ञानी है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ये माना जाता है पाणिनी को, तो ऑप्शन जो इसका सी है पाणिनी वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। तो भाषा विज्ञान का विभाग कौन सा विभाग नहीं है, तो यहाँ पर जो पदार्थ विज्ञान है ये किसी भी प्रकार का भाषा विज्ञान का भाग नहीं है, जबकि पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, स्वनिम विज्ञान ये सारे आपके भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या कह रहा है कि हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि क्या बोलते हैं हिंदी में 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्याएं कितनी हैं, तो वो भाषा की है, भाषा 22 हैं, लेकिन अगर हम बोलियों पे आ जाते हैं तो हिंदी भाषा में भाई आपकी 18 बोलियां हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो काफ़ी लोग इस अंतर को नहीं गलती करके आ जाते हैं। अगर ऑप्शन में 22 दिया होता तो कुछ लोग 22 ही टिक करके आ जाते, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। कौन सी है सर? हिंदी है, तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या वही सेम क्वेश्चन है, तो 22 है जो कि 8वीं अनुसूची में मान्य किया गया है, तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि की अगर हम बात करते हैं तो ये देवनागरी लिपि है। कैसी लिपि है सर? देवनागरी लिपि है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भाषा क्या है। सबको पता है सर भाषा क्या होता है, तो भाषा बेसिकली आपकी भाव विभक्ति का माध्यम भी है, साथ ही साथ सांकेतिक भाव विभक्ति भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, ए व बी दोनों है, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों लिपि जो होती है वो लिखित ध्वनि संकेतों को कहा जाता है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो कह रहा है कि लिखित भाषा का अंतिम इकाई क्या है। तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई दोस्तों आपकी वर्ड होती है, अंतिम इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है। तो लिखित भाषा के अंतर्गत दोस्तों जो आपकी भाषा है वो स्थायी रूप में रहती है, किस रूप में, स्थायी रूप में रहती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से होती है। तो हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से क्या होता है सर, वाक्य रचना का होता है। तो ऑप्शन जो इसका क्या होगा, ऑप्शन जो इसका सी है वाक्य रचना का होता है। तो हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से होता है क्या, वाक्य रचना का। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, तो आपसे कह रहा है कि श्रुति लिपि की कितनी विधियाँ हैं। तो श्रुति लिपि जो होती है उनकी बेसिकली कितनी विधियां हैं, तो उनकी दोस्तों आपकी टोटल जो विधियां हैं वो 4 हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण एवं रचना किसके रूप है। तो व्याकरण और रचना दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी भाषा के रूप है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द क्या है। तो दोस्तों शब्द क्या होता है, बेसिकली शब्द जो होता है वो आपका एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह होता है, क्लियर है। इसके पहले के दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो सेम आपके पढ़ाए हुए देखिए अभी देवनागरी लिपि की कौन सी समस्या प्रमुख नहीं है, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिंदी भाषा में अगर हम बात करते हैं ध्वनियों के बारे में, तो हिंदी भाषा में स्वर जो है कह रहा है कि ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो स्वर की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो स्वर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो कह रहा है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये भाई एक तो परिभाषा ही है, आपने शायद परिभाषा पढ़ी भी होगी कि संस्कृत से लिए गए वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। तो हिंदी के बाद अब आते हैं सीधे हम लोग करंट अफेयर की तरफ। तो करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मई 2019 में WHO ने किन दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। तो दोस्तों मई 2019 में जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अल्जीरिया को और अर्जेंटीना को, इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त जो है देश घोषित कर दिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, तो कह रहा है कि इपोह मलेशिया में संपन्न हॉकी प्रतियोगिता अजलन शाह कप 2019 का खिताब किसने जीता। तो याद रखिएगा ये मार्च 2019 में बेसिकली आपका ये कप का जो आयोजन है हुआ था, मलेशिया में हुआ था, और ये बेसिकली 28वां संस्करण था। इसका खिताब दक्षिण कोरिया ने भारत को 4-2 से हरा करके तीसरी बार जीता। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि मई 2019 में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरण को किस देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भैया मई 2019 में भारत के जो पूर्व विदेश सचिव हैं श्याम सरण को जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो याद रखिएगा जापान के संबंधित है, तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा, और द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित जो है इनको किया गया। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है कि अप्रैल 2019 में किस देश ने भारत के साथ राजनीतिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सामायिक की थीम पर विशेष स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया। तो याद रखिएगा यहाँ पर किस देश ने, तो इंडोनेशिया के मशहूर जो कलाकार थे पद्मश्री बापक न्योमन, उन्होंने किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो इसका इंडोनेशिया डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया जो विश्व थायराइड दिवस है प्रति वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर, 25 मई को। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भारत में किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। तो 31 वाला जो क्वेश्चन है इसमें याद रखिएगा 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को, किसको भैया, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया, और इनकी नियुक्ति की सिफारिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति ने की थी। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ? तो 26 से मार्च लेकर के 8 अप्रैल के बीच में ये जो हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, ये बेसिकली हुआ था किसके किसके मध्य में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये बेसिकली श्रीलंका में किया गया था और भारतीय सेना और श्रीलंका के मध्य में हुआ था। तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शतरंज प्रतियोगिता कौन्स इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? तो कौन्स जो है, कौन से भी बोलते हैं, कौन कई लोग बोलते हैं, तो ये जो खिताब है ये अभिजीत गुप्ता ने जीता। किसने जीता सर? अभिजीत गुप्ता ने। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो आपसे कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाले पहले एशियाई देश कौन सा है? तो पहला जो एशियाई देश है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, तो ये जो समलैंगिक विवाह है, और ये बेसिकली अभी हाल ही में, मतलब काफ़ी आपको पता ना कि इंडिया में काफ़ी चर्चा में रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पहला देश जो था आपका ताइवान था, ताइवान की संसद ने किया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो आपकी IPL है 2019 का खिताब किसने जीता? सबको पता है भाई, सब यहाँ पर इंडिया में IPL देखने वाले लगभग होते ही हैं। तो चेन्नई सुपर किंग हार गया था, 1 रन से हारा था, और किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बॉयलिंग झील की बात करते हैं, तो आपका वो बेसिकली आपका बॉयलिंग जो झील है ये आपका मंगोलिया में नहीं स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ पर? डोमिनिका में। तो याद रखिएगा, डोमिनिका में स्थित है बॉयलिंग झील। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को अगर हम बात करते हैं तो स्वेज नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है, स्वेज नहर, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, नदी है और बांध है। तो अगर हम बात करते हैं भाई पराना नदी के बारे में, तो ये ग्रैंड कुली जो बांध है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कोलंबिया नदी पर स्थित है, पराना नदी पर नहीं स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन जो इसका डी है इस पर टिक कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र बोले तो नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और उद्योग का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीटागढ़ सीमेंट, ये जो दिया गया टीटागढ़ और सीमेंट, ये उद्योग का और केंद्र का जोड़ा बिल्कुल भी सही नहीं है। टीटागढ़ कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा ये आपका गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति वरुड़ा है? तो भैया किसकी प्रजाति वरुड़ा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सरसों की जो प्रजाति होती है वो वरुड़ा होती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पीताम्बरी, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान आदि, ये बेसिकली आपकी वरुड़ा की ही प्रजातियाँ होती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, असुटेबल बॉय ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो असुटेबल बॉय इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टर्बुलेंट ईयर, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये बेसिकली आपकी लिखी गई है क्या बोलते हैं, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा लिखी गई है द टर्बुलेंट ईयर्स 1982-1996। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आते हैं 44 नंबर पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट है? तो भाई IMF द्वारा जो जारी रिपोर्ट है ये बेसिकली यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 44 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है, और साथ ही साथ आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब IMF की बात कर लेते हैं, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इस संस्था के कुल 189 देश सदस्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आधारित है?
दोस्तों जो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था पद्धति पर आधारित है। किस पर भाई? समाजवादी पद्धति व्यवस्था पर आधारित है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। कच्ची सामग्री के आधार पर अगर बात किया जाए तो कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो कृषि तथा खनिज आधारित है। कृषि तथा खनिज आधारित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो भाई अगर हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों के बारे में तो यहाँ पर उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये तो भाई उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण ये तो आपके आते हैं। लेकिन हम बात करते हैं केंद्रीयकरण के बारे में तो ये नए सुधारों का अंग नहीं है आर्थिक सुधारों का। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है। सबको पता है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में इसी दिन कारगिल युद्ध में भारत ने जीत हासिल किया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो आपसे कह रहा है कि शारदा अधिनियम 1929 जो है किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं शारदा अधिनियम की बात करें तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। क्लियर है? बाल विवाह, ये शारदा अधिनियम के तहत जो है लड़कियों की जो उम्र है वो 18 वर्ष किया गया था, लड़कों की उम्र जो है 18 वर्ष, लड़कियों की जो एज है वो 18 वर्ष की गई थी। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत भारती पुरस्कार जो है किससे संबंधित है। तो भारत भारती पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, तो साहित्य से संबंध रखेगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो आपसे कह रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो नेपाली जो भाषा है वो मुख्य रूप से किस में बोली जाएगी। भी राज्यों की बात कर रहे हैं तो सिक्किम, सबका दिमाग उधर ही जाएगा, सिक्किम की साइड में जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई, नेपाली जो भाषा है वो आपकी सिक्किम में बोली जाती है। इसके अलावा जो पश्चिमी बंगाल है, उत्तराखंड है, असम है, मणिपुर है, यहाँ सब भी बोली जाती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं कुछ साइंस की क्वेश्चन की तरफ। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है। तो किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इकाई की बात की है, गतिशील सजीव इकाई की बात की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वन, जो फॉरेस्ट होते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये वन ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करते रहते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो आपसे कह रहा है कि जड़ें मिट्टी से जल तथा और किसका अवशोषण करती हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो बीज में स्थित भ्रूण का मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होती हैं और इनके शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। तो बेसिकली जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो मछलियों का जो पंख होता है यानी कि जिसको फिन्स बोलते हैं, और जो उनकी टेल यानी कि जो पूंछ होती है वो बेसिकली ये सहायता प्रदान करती है। तो पंख और पूंछ यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है ध्यान से कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। सबको पता है भाई विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। स्कर्विक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र है, जल में घुलनशील विटामिन है और स्कर्वी रोग होता है। और खट्टे फल जैसे कि आपका आंवला, नींबू, संतरा, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 81-80 कह रहा है कि दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र जो है आपका उत्तल दर्पण से होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी और वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है। अर्थात उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो काफ़ी छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि है वो दृष्टि क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक होता है। क्लियर है? और जो आपके मोटर गाड़ी होते हैं उसमें आपका उत्तल दर्पण का ही यूज किया गया होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। तो क्या कह रहा है कि प्रवाहकत्व का इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी में प्रवाहकत्व बोलते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका मात्रक सीमेंस होता है और इसे ओम या महो भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका ओम या महो यानी कि
आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ओम की पावर माइनस वन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम एच ओ जिसको बोलते हैं, ओम की पावर माइनस वन एम हो, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है, प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है वो एल्यूमिनियम है। कौन सी है? एल्यूमिनियम है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर, तो कह रहा है कि कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है। तो जो गैलियम धातु होती है जिसको जी ए से निर्देशित करते हैं, गैलियम धातु, ये बेसिकली आपकी हथेली में पिघल जाती है। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर, तो आपसे कह रहा है कि नाइट्रेट फॉस्फेट धातुएं वो आदि वहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं। तो नाइट्रेट फॉस्फेट धातुएं जो हैं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो ये सीवेज होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सीवेज क्या होता है, तो सीवेज में बेसिकली कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो कार्बनिक अशुद्धियाँ इसको ज़्यादा करेक्ट मानेंगे। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई कृतंक दांत होते हैं, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, इसका जवाब देना है, जिससे पता तो चले कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हो कि नहीं देखे हो। तो कृतंक दांत कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चार तरह के दांत होते हैं, कृतंक यानी कि इंसीजर, रदनक आपका प्रचवर्णक होता है, आपका चवर्णक होता है। तो चारों में से आपको, अगर चारों आपका मन हो तो बताइए कमेंट करके, बट इसका जवाब तो देना ही देना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो बस यार सपोर्ट करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए आप सभी से। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट।